नमस्कार किसान भाई, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं विकास 325 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की पूरी जानकारी। इसके पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसमें आपको इस मिनी कंबाइन हार्वेस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फीचर सभी प्रकार की जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं, पूरी जानकारी। आइए जानते हैं विकास 325 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। आइए विकास 325 मिनी कंबाइंड हार्वेस्टर की पूरी जानकारी यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं उनसे लेते हैं इसकी जानकारी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राजकुमार पटेल देखता हूँ। जी जी जी। और मेरे साथ तीन लोगों की हमारी दुकान से जा रहा है। अच्छा, अच्छा। और ये हार्वेस्टर जो मिनी कंबाइन 325 है ये भी हमारी दुकान से जा रहा है। ये आज छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो रहा है, इसको हम तीन दिन से फिट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज कंप्लीट हो गया है, अभी मैंने आपको चला के दिखाया और आप कहें तो और चला के दिखाऊंगा। अब अपन इसके बारे में देखते हैं। राकेश भैया, अब अपन ने इसको चला के अभी दिखाएंगे कृषकों को, तो इसके बारे में हमारे कृषकों को शुरू से कौन कौन से इसमें जो सिस्टम लगे हुए हैं उनके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। पहला सिस्टम ये देखें, इसको क्या बोलते हैं? इसको चक्री बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जो लाख को पकड़कर जो भी अपनी फसल है, जो भी अनाज अपन काट रहे हैं, तो लाख को जो पकड़कर अनाज को और एक ब्लेड के पास देती है से कटिंग कर और फिर इस फीटर के जरिए माल अंदर जाता है। अच्छा अच्छा। इसकी ब्लेड की बात करें राकेश भैया, तो इसकी ब्लेड की जो चौड़ाई है वो कितने फिट है? ब्लेड अपनी 8 फिट है। अच्छा अच्छा। क्लियर 8 फुट की चौड़ाई है। इसमें अपन गांव देहात में सकरी से सकरी रास्ता पर जा सकते हैं। लाने ले जाने में कहीं दिक्कत नहीं होती। आ जाता है चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके जरिए अपनी कटिंग हुई। हाँ। कटिंग होकर अपना अनाज जो भी है, गेहूं या आपका धान, गेहूं धान तो ये स्पेशल है। हाँ। लेकिन इसमें चना भी कट रहे हैं, राहर भी कट रही है। अच्छा, अच्छा। लोग मूंग भी कट रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं। स्पेशल है ये। आप चाहे तो अनाज जो भी यहाँ से कट के और इस फीटर के जरिए। अच्छा अच्छा। ये फीटर है? हाँ। फीटर लगता है, ये 14 फुट की लंबाई रहती है फीटर की। इस फीटर की लंबाई 14 फुट है। हाँ। यहाँ जो बेल्ट लगाई हुई है, टोटल कटर बेल्ट से चलता है। पीटीओ से पूरा आपका थ्रेसर चला और वहाँ चलता है। आगे अपना केवल एक लिफ्ट पाइप है जिसके जरिए जिस ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन इसमें। अब अपन देखें इसमें आपका अनाज आ गया पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। अनाज आकर आपका थ्रेसर में। हाँ हाँ। ये थ्रेसर दिया हुआ है, ये इसको थ्रेसर है, ये इस पे ये अटैच है। गेहूं या जो भी फसल है उसकी पिसाई हुई। अच्छा अच्छा। अब आप देखें यहाँ पीछे भूसा टैंक है। अच्छा अच्छा। इसमें आपका भूसा आ जाएगा, जो गेहूं आपने काटा उसमें इसमें आपका भूसा आ जाएगा। अपन ये भूसा की जो टैंक कहें, हाँ। इसकी भूसा की टैंक की कैपेसिटी कितनी है? भूसा इसमें 3.5 क्विंटल भूसा बनेगा। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूसा आपको हाथ से खाली नहीं करना। अच्छा अच्छा। केवल एक लीवर चलाना और जो आप ये पिस्टन देख रहे हैं, हाँ, ये पूरा निकल जाएगा। हाइड्रोलिक लीवर से ही इसको खाली कर सकते हैं। दिखाऊं क्या इसको? अभी अपन इसका पूरा इंट्रोडक्शन के बाद इसको 1 मिनट चालू करके भी दिखाएंगे हमारे किसान भाइयों को। अच्छा, ये सिस्टम क्या दिया हुआ है राकेश भाई? ये इस प्रकार से होता है, जैसे आपका इसमें 4.5 क्विंटल का अनाज टैंक। अच्छा अच्छा। आपका अनाज टैंक भर चुका है। जी जी जी। तो अनाज खाली करना है तो इसके लिए आप इसको वापस करेंगे इस तरीके से। अच्छा अच्छा। यहाँ अच्छा। आपकी ट्राली लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो आपका जो अनाज है सीधा ट्राली में। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इससे ये अनाज जो हमारे टैंक में है उसको खाली करने की ये लीवर के द्वारा व्यवस्था है। और आगे देखते हैं, जैसे अनाज टैंक भर जाता है तो कोई नोटिफिकेशन या कोई बेल बजती है क्या? नोटिफिकेशन तो नहीं बजता, उसके लिए एक सेंसर है वो भी लगता है। अच्छा, जिससे अच्छा। आपको मालूम हो जाता है कि अनाज टैंक भर गया। अच्छा है। अच्छा। लेकिन वहाँ ड्राइवर के पास में है तो उसको दिख जाता है कि इसका अनाज टैंक खाली हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ ये टूल बॉक्स भी दिया है, इसमें अपना पौना केट, पौना नट वगैरह जो कुछ भी है इसमें साथ में रखा। राकेश भैया, एक मुख्य जो पहलू है बात करें कि ये जो मशीन, ये पूरी पीटीओ पे आधारित है, पीटीओ से ही पूरी मशीन ऑफ। हाँ। तो अपन ये बात करें भर गया। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ ड्राइवर के पास में है तो उसको दिख जाता है कि इसका अनाज टैंक खाली हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ ये टूल बॉक्स भी दिया है, इसमें अपना पौना केट, पौना नट वगैरह जो कुछ भी है जी साथ में रखा। अच्छा राकेश भैया, एक मुख्य जो पहलू है बात करें कि ये जो मशीन, ये पूरी पीटीओ पे आधारित है, पीटीओ से ही पूरी मशीन ऑफ।
तो अपन ये बात करें कि इसकी जो पीटीओ हॉर्स पावर है और इस हार्वेस्टर को चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? ये बढ़िया है मशीन तो मेरी 60 हॉर्स पावर है, 540 आरपीएम पीटीओ है इसका, तो 540 है तो मैं इसमें 540 की फिटिंग करूंगा। अगर आपका ट्रैक्टर 750 आरपीएम है तो उसके लिए मुझे पुल्ली चेंज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब मल्टी स्पीड पुल्ली लगाना पड़ेगा। पुल्ली लगाना पड़ेगा, पुल्ली दिखाऊंगा। और चलो आगे दिखाते हैं इसको। ये बढ़िया, ये भूसा का टैंक है पीछे, बढ़िया। ये दिशा निर्देश के लिए इंडिकेटर भी दिए हुए हैं, और ये न्यू मॉडल है, 2020 का मॉडल है, और बहुत बढ़िया इसका लुक दिया हुआ है। पुल्ली मैंने बताई कुछ, हाँ हाँ, अगर आपका 540 ट्रैक्टर है तो यहाँ पर 12 की पुल्ली रहेगी। अच्छा, 12 इंची पुल्ली है? हाँ, 12 इंची पुल्ली। हाँ हाँ हाँ। और अगर आपका ट्रैक्टर वहाँ पे 750 आरपीएम या 1000 आरपीएम है तो यहाँ पे पुल्ली फिर मैं छोटी करूँगा, छोटी पुल्ली लगाएंगे। जी जी जी, यहाँ बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है यहाँ सर। इसका अनाज टैंक। अच्छा अच्छा, ये इधर आपका अनाज आया। हाँ हाँ। फिर इस एलिवेटर के जरिए अनाज टैंक में गया। अच्छा अच्छा, ये टैंक भरने के बाद जहाँ से मैंने अभी बताया था आपको, वहाँ से अनाज खाली होगा आपको। ड्राइवर के बैठने के लिए सुविधा जो है, जी जी, अनाज खाली करने का लीवर ड्राइवर के पास में रहता है। अच्छा अच्छा, ये जो लीवर है, हाँ हाँ, इसको आप नीचे करेंगे। अच्छा अच्छा, अनाज खाली हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। नहीं है ड्राइवर को बैठे बैठे, हाँ हाँ, अनाज खाली। और थोड़े से अन्य सिस्टमों के बारे में भी जानकारी बताइएगा हमारे किसान भाइयों को, कौन से सिस्टम से कौन सी चीज चालू होती है। अनाज खाली कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो आगे का सिस्टम चलाने की कोई जरूरी जी नहीं। जी जी, तो इस गियर को वापस कर देंगे। अच्छा अच्छा, जब खेत में अपन को आगे का सिस्टम चलाना है, हाँ हाँ हाँ, तो इस गियर को अपन इस तरीके से टाइट कर देंगे, आपका आगे का सिस्टम चालू हो जाएगा। बिल्कुल, इसको वापस रिवर्स करेंगे, हाँ हाँ हाँ, तो अपना खाली थ्रेसर चलेगा। जी जी जी, बाकी पूरा टोटल बंद रहेगा। अच्छा, इसके अन्य जो जो फंक्शन है थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। अच्छा अच्छा, अपनी आंगली ब्लेड ऊपर और नीचे होती। अच्छा अच्छा, और इस डिस्ट्रीब्यूटर से देखें आप, हाँ, पीछे भूसा का टैंक खाली होगा, हाँ हाँ, और वापस रिटर्न आएगा। अच्छा अच्छा, ये अपना आगे वाला डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ हाँ, जिससे अपन ये ब्लेड उठाएंगे। जी जी जी, और ये अपना भूसा टैंक वाला, वो बहुत बढ़िया है। और इसका थोड़ा चढ़ के भी बताइए टैंक के कैसा है क्या है, इसके ऊपर से दिखा रहे हैं हम। टैंक टैंक है ये, ये एलिवेटर है जिससे टैंक में अनाज आ रहा। अच्छा अच्छा, और ये टैंक भरने के बाद, अच्छा, यही ड्राइवर को मालूम हो जाता कि आपका टैंक भर चुका। हाँ हाँ हाँ, फिर इसी के जरिए ये खाली हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मशीन है। देखिए हम दिखाते हैं पूरी ऊपर से आपको, बढ़िया सामने जो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 3 माह के अंतराल में, हाँ हाँ, मेरे सोलेस में तीसरी मशीन है। अरे वाह, ये मतलब यहाँ से पूरा फिट करके दे रहे हैं। हाँ, 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 ये तीसरी मशीन आज जो रवाना हो रही है। अच्छा अच्छा, अपने ही सोलेस में, हाँ हाँ, जो ले जा रहे हैं वो बंधु हमारे छिंदवाड़ा के हैं। अच्छा अच्छा, किसान भी दिखाएं। हाँ हाँ हाँ, अभी ये रात में काम करने के लिए हमारे इलेक्ट्रिशियन है जो ये बढ़िया लैंप लगा रहे हैं। क्या लाइट में जब बूम उठेगी, हाँ, आपकी, हाँ, तो ट्रैक्टर के लाइट में उतना साफ नहीं दिखता। हाँ हाँ, लाइट ऊपर दिए जाते हैं। ये भी आगे से पिस्टन है, आगे की ब्लेड को ऊपर करेंगे। अच्छा अच्छा, इस पिस्टन, ये ऑयल पिस्टन है। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर करेगा। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद इस पिस्टन को लॉक कर दिया जाता है, आने जाने में ऑयल पिस्टन पर लोड ना पड़े। अच्छा 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 अच्छा, राकेश भैया ये तो सब खूबियां। राकेश भैया एक बात और करें अपन, जैसे ये मशीन हमारे यहाँ से कस्टमर ले जा रहे हैं और ये छिंदवाड़ा जा रही है, लगभग यहाँ से 200-250 किलोमीटर, हाँ, दूर है, और हमारे कृषक बंधु को यहाँ से ले जाने के बाद इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो डीलर्स हैं उनकी क्या सहायता करते हैं? उनकी सहायता अगर वो फ़ोन पे समस्या हल कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं तो एक दो बार का मेरा जाना बनता है, जो फील्ड पर जाके मैं जी, मेरे साथी लोग जाएंगे तो उधर देखेंगे, हाँ, कि क्या स्थिति है और उनकी समस्या का हल समाकरण निदान करेंगे। अच्छा राकेश भाई, एक और इसके मुख्य पहलू पे बात करें तो जैसे हमारा ये ट्रैक्टर 60 एचपी का है जी, और जब ये गेहूं में चलेगा या धान में चलेगा, हाँ, तो ये कितने लीटर डीजल की खपत करेगा? अपना 60 एचपी जो है जी, 4 पिस्टन गाड़ी है। हाँ हाँ, धान में तो 4 से 4.5 लीटर
खपत करता खपत करेगा घंटे पे। गेहूं में जाएगा ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर जब भूसा बनाएंगे। गेहूं का भी आप भूसा नहीं बनाएंगे तो फिर एवरेज कम रहेगा। अच्छा अच्छा, उसमें क्या ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता, लेकिन जब भूसा बनाते हैं ट्रैक्टर पे तो पिसाई करेगा, पिसाई करेगा पड़ेगा। जब भूसा बनाएंगे तो ये मान के चले आप 1 लीटर आधा 1.5 लीटर का खुराक ज्यादा रहेगा। अच्छा राकेश भाई, एक मुख्य पहलू पे बात करें जी, कि इस जो मिनी कंबाइंड हार्वेस्टर है विकास 325 जब यहाँ से कस्टमर ले जाता है तो उसको इसके रखरखाव में और इसके चलाने में क्या सावधानियां बरतना चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि इसमें जैसे आप नट बोल्ट चेक करें चलाते समय जी, और सबसे मेन चीज जो है इसकी यहाँ पर है ड्राइवर का काम जो इसको चला रहा है। अच्छा अच्छा, इसको रोजाना चेक करें। इसमें सबसे मेन जो पार्ट्स है सबसे ज्यादा चलने वाला ये है ब्लेड चलाने के लिए। इससे क्या बोलते हैं? इसको ब्लेड कटर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इसको रोज चेक करना है। मतलब इसको चेक करना है, इसके कहीं नट बोल्ट ढीले तो नहीं है? यहाँ मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, इस पे मेरा थ्रेसर पूरा सदा है। अच्छा अच्छा, टॉप लिंग बोलते हैं ट्रैक्टर की। अच्छा अच्छा, इसको रोज चेक करना चाहिए। अच्छा अच्छा, यही जो काली काली टॉप लिंग दिख रही है अपने। अगर ये लूज रही तो आपके जो कंडीशन के नट है। अच्छा अच्छा, ये वाले इन नट को टूटने का खतरा है। अच्छा अच्छा, तो ड्राइवर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो चलाता है रोज जब आप चला रहे हैं तो सुबह टॉप लिंक देखें और अपना कटर देखें। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरी नहीं है, दिन में एक बार पूरा गाड़ी का चक्कर लगाएं और अपनी गाड़ी के नट बोल्ट देखें। राकेश भैया, अपन ये सब चीजों से तो आपने अवगत करा दिया। राकेश भैया ये बताएं कि बड़ी मिनी कम बड़ी जो हार्वेस्टर हैं या उनमें मिनी भी आती हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर है? उसमें विशेष अंतर यह है कि वो भूसा नहीं बना पा रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग का किसान है जी जी, वो उसे लेने में सक्षम नहीं है। आपने जो मशीन देखी इसको अपन खोल कर 2 घंटे में एक साइड रख देंगे और ट्रैक्टर किसान उपयोग में ले लेगा। आपने जो 17-18 लाख की मशीन ली वो तो आपकी चलेगी और उस खाली समय खड़ी रहेगी, आप खाली समय में इसका ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, बड़ी मशीन में आप देखेंगे वो घर पे रखी रहेगी, इसमें मात्र 2 घंटा लगेंगे और इसको खोल के साइड में रख देंगे। बिल्कुल, लगाने के समय फिर 2-3 घंटा लगना है, इसको फिट कर लेगा। अच्छा, हर किसान ऐसा कर लेते हैं एक बार। राकेश भाई, अपन ने सब पहलुओं पर बात की, जो कस्टमर है संतुष्ट कस्टमर है जिन्होंने इस मशीन को खरीदा है, और पटेल बंधु मोटर्स का नाम छिंदवाड़ा जिले में भी वहाँ हमारा प्रचार हो रहा है, ये मशीन जाएगी और अच्छी खूबियों से वहाँ अच्छी गुणवत्ता से ये फसल काटेगी, तो आओ हम उनसे भी मिलाते हैं आपको ये नया मिनी कंबाइंड हार्वेस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप आज एक मिनी कंबाइंड हार्वेस्टर जो कभी 100 के नोट में दिखा करती थी आज हमारी करेली में और आपके छिंदवाड़ा में भी पहुंचने वाली है। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो 100 के नोट में देखते थे कि ये हार्वेस्टर है, हमको बहुत याद है, लेकिन आज एक करेली सरी की जो तहसील स्तर है यहाँ भी हमारे डीलर हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी ये मशीन को इसका फीडबैक देखा पहले मैंने दूसरी जगह जा के, तो इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। और हमारे इधर भी 2-3 मशीन यहाँ से गई है। अच्छा अच्छा, और इसका अच्छा है, भूसा वगैरह कलेक्ट करती है और वो दाना जो चाहिए वो भी है, भूसा वगैरह पशुओं के लिए तो हो ही जाता है। तो और जैसे मिनी कंबाइन है तो इसके बाद में यानी कि जैसे कटाई वगैरह का काम होने के बाद अपन दूसरा उपयोग में भी अपने ट्रैक्टर को लिया जा सकता है। बिल्कुल, बस और यही वो है इसका।